आज शहर के KAS हॉल में फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी की जानिब से शहर के मारूफ समाजी कारकुनान, सहाफी, दानिश्वरान व हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस का एक पैनल डिस्कशन मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क में दरपेश मसाइल के मुतालिक बहस व मुबाहसा किया गया। पैनल डिस्कशन में दानिश्वरान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए चंद पॉलिसियों की, जैसे डीमोनिटाइजेशन, कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी, GST के निफाज को गैर जरूरी व आवाम मुखालिफ ठहराया। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और UAPA का और सेडिशन लॉज का गलत इस्तेमाल हो रहा है और जो है डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस बहुत डाइल्यूट हो गए हैं, तो उसको इंस्टीट्यूशंस को सब कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट आप उसको बेंड करके अपने मफाद के लिए यूज़ कर रही है, तो ये कई चीज़ें हैं जो हम हाईलाइट करना चाहते थे। तो एक तो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का, और जो है इस अवेयरनेस के ज़रिए कुछ ना कुछ चेंज आना है। जैसा कि कई मुखर्रिरों ने कहा आज कि इवन दो देर इज़ डार्कनेस देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो हम उसकी तरफ जाना है और किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसके बारे में गौर व फिक्र करना है। तरीक़ेकार बहुत से होते हैं, हो सकते हैं। एक तो लीगल एवेन्यूज है, दूसरा अवेयरनेस है, पब्लिक में जाके कुछ रैलीज करना और उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको और ज़रा सा क्या प्लेटफॉर्म पे लाना, ये सब चीज़ें हैं। इस मौके पर प्रोफेसर नरसिम्हैया ने बताया कि बरसर इख्तदार भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से इख्तलाफी राय रखने वालों पर सेडिशन और इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA का बेतहाशा गलत इस्तेमाल कर रही है और गैर ज़रूरी तौर पर CAA, NRC व NPR जैसे कवानीन का निफाज कर रही है। द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट विच हैज कम टू पावर इन द नेम ऑफ बेटरफाइंग द लाइफ ऑफ द पीपल हैज मेड द हेल ऑफ द पीपल्स लाइफ। पीपल आर सफरिंग फॉर नो फॉल्ट ऑफ देम for rise of petrol, diesel, gas and then vegetables and groceries and many laws which are against the common man. Now they are following the principle of Hindutva, following the principles of RSS. RSS is more dangerous than an atom bomb, I want to say. Let them charge me. It is more dangerous. It is against reservation. It is against social justice. It is highly against secularism. That is more important. Why this government has abrogated Article 370? Where is the need? And why there is a problem for the love jihad? Why there is CAA? Now all these things are against डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ETV भारत से बात करते हुए फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी की नायब सदर कातियानी चामराज ने कहा कि मुल्क की जमहूरियत को दरपेश खतरात से लड़ने के लिए दानिश्वरान मुत्तहिद होकर उठ खड़े हों और एक अवामी तहरीक चलाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस दीज इश्यूज because everybody is simply very disturbed in the country today on the direction our country is taking, and we need to bring all thinking people together and to fight against this anti-democratic path that we are pursuing right now. So we had very expert panel of judges, media specialists and academicians raising the relevant issues facing the nation, and what was emphasized was that the civil society needs to come together and determine what path the country should take. It is up to the people to build a movement
टू सेव आवर डेमोक्रेसी. सो दैट वॉज द मेन थीम एंड दैट इज हाउ मेनी थिंकिंग पीपल हैव कम टूगेदर एंड वी प्रपोज टू कंटिन्यू दिस कोर ग्रुप एंड मेक इट इन टू अ पीपल्स मूवमेंट सो दैट वी इट्स ओनली वेन पीपल प्रोटेस्ट दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म. ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट.